आपने हमें क्यों रोका? हमने किसी वजह से रोका है पुष्पा जी, अब वो दोनों ना भाई हमारे भौकाल से नहीं बचेंगे, आप देख लीजिएगा। मैडम, अरे मैडम, हे भगवान, बोलिए मैडम, क्यों बुलाया? हाँ, तुमको कॉल करना है दोनों भाइयों को और उनको बोलना है कि तुम चोरों लॉकअप से बात कर रहे हो। चोर लॉकअप से कैसे बात कर सकता है? जैसे आप थाने में सारा दिन बैठ के बकबक करते रहते हो। सटीक बोली है संतु जी। अब हम बोले, बोल देना कि जुगाड़ है तुम्हारा। अच्छा, और तुमने बहुत पहले एक ज्वेलरी की दुकान पे डाका डाला था। हाँ? और वो ज्वेलरी का जितना भी माल था तुमने उनके प्लॉट के अंदर दबा दिया है। हाँ? और वो जो ज्वेलरी का माल तुमने वहाँ छुपाया है वो भाई वहाँ से निकाल ले, आधा तुम्हारी बीवी बच्चों में बांट दे और आधा वो खुद रख ले। हाँ, ठीक है। हाँ, पूरा बात सुनोगे? आगे भी है। हाँ, आगे भी है। सुनो सुनो, ये टॉप सीक्रेट है ऐसा बोलना तुम कि किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात हो गया पूरा। मैडम, हाँ, सब संभाल लूंगी। रिवर्स तो लेने दो, संभाल लू। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तू का खोद रहा है? पहले तू बता। पहले मैंने पूछा है तो पहले तू बोल। अच्छा, तेरे हिसाब से चलूंगा क्या? माथा खराब मत कर। तू मेरा माथा खराब मत कर, ईंटा से मारूंगा भी तेरा माथा होता फोड़ दूंगा, समझा कि नहीं? क्या हुआ वर्मा ब्रदर्स, बहुत थके हुए लग रहे हो, मिला वो चोरी का माल? मैडम, यही है वो नाला जहाँ से इस कचरे का पानी आश्रम के हैंडपंप से मिल जाता है। कहाँ वो चोरी का माल? किधर है? छिपे? कहाँ छुपा है? कहाँ मैडम, चोर तो मजाक किया था। नहीं नहीं नहीं, मजाक थोड़ी था, ये देखो कितना सारा माल पड़ा है यहाँ पर, वहाँ देखो वहाँ कितना सारा माल पड़ा है। अब तुम दोनों भाई ना फटाफट ये सब कचरा उठाकर यहाँ से कट लो, हम 10 तक गिनेंगे, नहीं गए ना तो जिंदगी भर अफसोस मनाओगे कि कचरा उठाया क्यों नहीं। काहे मैडम, जब ये कचरा हमने फेंका ही नहीं तो हम काहे के लिए उठाएंगे, बताओ भाई। सुनो दरोगा, ये धमकी ना तुम हमको तो ना देना, बहुत ऊपर तक पहुँचा है हमारे। वही ऊपर तक पहुँच जाओगे तुम अगर ये कचरा साफ नहीं हुआ यहाँ से, समझे? अफसोस मनाओगे कि लखनऊ में क्यों आए, और अगर लखनऊ में आए तो करिश्मा सिंह से काहे टकराए। अरे जाइए मैडम, आपके जैसे बहुत देखे हैं दरोगाई, आपकी इस गीदड़ भपकियों का हम पर कुछ असर होने वाला नहीं। तुम ना। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं आप अमित और सुमित वर्मा से पूछताछ करने के लिए गई हैं। जी हाँ, और हम अपने तरीका से उनसे निपटेंगे सर। अभी आप उनसे नरमी से पेश आइएगा। पर सर, अरे भाई हम सब जानते हैं, किंतु क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता है तो आप उनसे सख्ती से पेश नहीं आएंगी। That's my order. जय हिंद सर। अब तुम रुको भैया, दवाई होगा तुम्हारा अच्छे से। क्या हो गया, अब रुक क्यों गई? दिखाइए ना अपना भौकाल, जम के पिटाई कीजिए इनकी, और जो पैसा आपने ये जगह को साफ करने के लिए लगाया था ना वापस ले लीजिए। इतने सालों बाद तो आप लल्ला के साथ मसूरी घूमने जा रही थी, हम कुछ नहीं जानते, आपको इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे? हाँ। कैसे सिखाए, हमारे हाथ बन गए हैं पुष्पा जी। मतलब वकील है ना दोनों, खेल रहे हैं दोनों हमारे साथ। एसपी सर को ऊपर से कॉल आया था कि जब तक सबूत ना हो तब तक इनको परेशान ना किया जाए। मैडम सबूत तो है ना, इतना सारा सबूत है, ये सारा कचरा फैला तो हुआ है। पर चीते कचरा बोलता नहीं है ना। बोलेगा, अब ये कचरा भी बोलेगा। पुष्पा जी, पुष्पा जी क्या कर रही है? अरे छोड़ी, बीमारी आ जाएगी आपको। हम सबूत ढूंढ रहे हैं इस कचरे में। अरे इसी कचरे की वजह से हमारे बच्चों के और हमारे सपने टूटे हैं ना, अब ये कचरा ही हमारी मदद करेगा।
पुष्पा जी बात मानिए, छोड़ दीजिए। हमें दीजिए आप नाम। एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए, मिल गया सबूत। ये इन दो भाइयों के नाम की रिसिट है जो इन लोगों ने शॉपिंग की है। अब तुम गए वर्मा भाइयों, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पुष्पा सिंह नाम है हमारा, अगर ठान लेना तो शेर के दांतों में भी दातुन घिस दे। शराफत से इस कचरे का हर्जाना भर दो पूरे 75,000 रुपए जो करिश्मा सिंह ने इस जगह को साफ करने के लिए लगाए थे। बात तो सही है, फंस तो गए हम। ये लीजिए 500। कहाँ है बाबू, बाकी का 74,500 तुम इंस्टॉलमेंट में भरोगे का? 74,500? अरे देखिए मैडम, का है कि लॉ के हिसाब से कचरा फेंकने का फाइन होता है 500 रुपये, और आई एम वेरी वेरी सॉरी कि ये कचरा हमने ही फेंका है और ये उसी का 500 रुपये हर्जाना है। और जो पहले 75,000 रुपया देकर साफ करवाए थे उसका क्या? हाँ तो कहाँ सबूत है आपके पास कि वो कचरा हम ही फेंके थे? मैडम वकील हैं हम, और कानून के सारे दांव पेच हम जानते हैं, और कानून के साथ खेलना सिर्फ हमारा पेशा नहीं है, शौक भी है। पुष्पा जी। चैन मैडम सो। जरा दोनों के नाम का चालान बनाइए, कानून हम भी जानते हैं, आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर दोबारा अपने कचरा फैलाया तो आपको दांव पेच में उलझा के रख देंगे। अरे मैडम पहले दुनिया को रोकिए, सारे लोग तो कचरे फेंकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सिर्फ हमारे पीछे काहे पड़े हैं, सुमित को रोकिए ना। हमें काहे, कि सुमित को रोकिए पहले। रुकना आप दोनों को ही है, वरना हम तो हैं ही। और भोलेनाथ का कसम, जो इस बार हम तुमको रोकने आए ना तो तुमको बहुत दर्द होगा। गुस्सा निकालने का ये तरीका बहुत अच्छा है। ये कानून भी कितना अजीब सा चीज है ना मैडम सर, मुजरिम को पकड़ने को कहती है लेकिन पकड़ने से पहले हमारे हाथ बांध देती है। सजा देता है लेकिन सिर्फ एक गरीब को सजा मिलता है। ये अमीर लोग होते ना, पढ़े लिखे लोग, ये जुर्म करते हैं लेकिन निकल जाते हैं बड़ी सफाई से। ये तो सिर्फ नजरिए की बात है करिश्मा सिंह। खैर छोड़िए, फिलहाल ये जो कचरे का प्रॉब्लम है ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम मानसिकता में है। मतलब ये इंसानी फितरत, सोच। हमें लगता है कि अगर हर कोई कचरा कर रहा है तो हम भी कचरा कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है। हमें इस सोच को बदलना है, इन्हें एहसास दिलाना है कि कचरा करना कितना गंदा और गलत है। एक आम सिटीजन की अपने शहर, अपने देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, ये समझाना है। ये जो वर्मा भाइयों जैसे लोग होते हैं ना, ये जिंदगी में कभी इनका मानसिकता बदल नहीं सकते हैं। ये लोग लात के भूत है, ये लातों से ही मानेंगे। बदलेगी जब खुद पर बात आएगी ना, तब उनकी सोच भी बदलेगी। डंडे से हम सिर्फ डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन वार हमें ऐसी जगह करना है जिससे बात उनके दिमाग में बैठ जाए। और कैसे देंगी मैडम सर आप ये सीख? किसी की जान लेकर। अब तो किसी की शहादत से ही इनकी सोच सुधरेगी। आपके पेट में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अरे आखिर ये सब सवाल हमारे घर में आके काहे पूछ रहे हैं? तो कहाँ पूछे? हॉस्पिटल में पूछिए। पुष्पा जी, हमारे ना पेट में से बहुत जोर का दर्द हो रहा है, हमको उल्टी भी आ रहा है। पुष्पा जी इधर इधर करो, इधर। चीता चीता चीता, अपने आप को काबू में रखो, हम जाएंगे अस्पताल, जाएंगे। हाँ जाएंगे। अच्छा हम आप सबसे यही सवाल करना चाहते हैं कि आप लोग आखिर आए क्यों हैं यहाँ पर? सर्वे करने आए हैं। देखिए आपके एरिया की जो पाइपलाइन है वो फट गई है, लीकेज हो गई, ब्रेक हो गई है, तो उसके चलते उसके अंदर ना गंदा पानी चला गया है और वो हानिकारक ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया चले गए हैं, और इसीलिए अपनी एरिया के लोगों की हमने एक लिस्ट बनाई। सॉरी लिस्ट लंबी है इसीलिए टकरा गई, सॉरी। हाँ तो उसके चलते हम सब लोगों को वो देंगे
अच्छा निशाना? नहीं निशाना नहीं, वो यहाँ देती हूँ ऐसे। इंजेक्शन? हाँ इंजेक्शन इंजेक्शन बराबर। सर 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 आपको पता है सर, इसी कॉलोनी के घर से ना हम इसे पानी लेकर पिए थे, तब से हमारे किडनी में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है ना सर, हम कहा बताएं। सर सर वैक्सीन आ जाएगा ना तो सबसे पहले आप हमको दीजिएगा। दर्द हो रहा है, चुप, दर्द चुप, हो रहा है। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। तुम पुलिस की लापरवाही की वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई है, आप जानते नहीं कितनी लोगों की जान जा सकती है। सुनिए भाई साहब, मेरे 15 साल के चोरी के एक्सपीरियंस में अच्छी सर, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी जानलेवा बीमारी मैंने आज तक नहीं देखी। फिर बाप रे बाप। मगर एक बात बताइए आप हमको, अगर पाइपलाइन फटी तो आप हम पुलिस वालों को दोषी क्यों मान रहे हो? ये तो आप लोगों का काम है ना, आप लोगों को पता होता है कि कौन से एरिया में किस दर्जे की पाइपलाइन बिछाई गई है। अपनी नाकामी का बिल आप हम पर क्यों फाड़ रहे हैं? अच्छा हम नाकाम? आपने ही पाइपलाइन पर झोपड़े बनाने से रोका होता तो झोपड़े के नीचे पाइपलाइन क्यों लगाते हो आप लोग? हमरा घर में आकर इतना जोर जोर से चिल्ला कह रहा है, जाकर के बाहर झगड़ा करो, जाओ। सर 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 शांत शांत पानी शांत सर पानी 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 लीजिए पीजिए। ये 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 या या ये 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 या या। सर सर जो महाभारत है नहीं, मेरा पेट दर्द, ये महाभारत बढ़ता चला जाएगा, जो आपके घर में सदस्य लोग हैं ना उनका नाम चुपचाप बता दीजिए सर, सब कुछ थम जाएगा। बिल्लू रेडी? हाँ रेडी, क्या मस्त लग रहा है। नहीं ओके हमारी बात अब आप ध्यान से सुनो, सुमित के भाई अमित को हमने जो टैबलेट दी थी उससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो बहुत उल्टियां कर रहा है और ये सब देखकर सुमित की जान हलक में अटकी हुई है। वो 10 बार हमें फोन कर चुका है, हमसे मदद चाहता है और अब बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। लेकिन मैडम सर वो यहाँ क्यों आएगा, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा ना? नहीं अमित और सुमित के हिसाब से जो पेशेंट्स की लिस्ट है वो हमारे पास है, तो हम ही हैं जो प्रायोरिटी वाइज पेशेंट्स को डॉक्टर के पास भेज सकते हैं, इसलिए उसे हमारी मदद चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एग्जैक्टली सो प्लान के हिसाब से चीता तुम अंदर जाकर छुप जाओगे और हम सबको ये प्रिटेंड करना है कि चीता इस दुनिया में अब नहीं रहा। चीता जब तक पुष्पा जी तुम्हें पुकार कर नहीं बुलाती तुम बाहर नहीं आओगे, क्लियर? पुष्पा जी ना? हाँ जी मैडम। ओके जाओ। आगे आ गया सुमित, आ गया। पोजीशन पोजीशन। दुखी दुखी उदास। मैडम अचानक कैसे हो गई? आपके यहाँ कॉलेज में किसने को पानी पी लिया? कॉलोनी में पानी पी लिया था चीते ने, पानी के साथ साथ जानलेवा बैक्टीरिया भी पी गया। वैक्सीन टाइम पर मिली नहीं तो चीता चीता पे चढ़ गया। मैडम ये इतनी जल्दी चला गया बताओ, बहुत नाइंसाफी है भगवान की। करिश्मा सिंह ये लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा गया है, चीता शहीद हुआ है। कैसे? इतना बड़ा कौन सा बच्चा पैदा होता है? चीते कैसे चला गया? वापस आ जा बेटा, वापस आ जा, तू वापस आ जा बेटा, वापस आ चीते, वापस आ। हाँ मैडम सर हम आ गए। लकड़ी
नमक भी उसको उसको ट्रैफिक लगता था। कैसे वापस आएगा इस पापी दुनिया में वो? चला जा बेटा, चला जा। मैडम, ये जनाब तो जिंदा है, फिर ये फोटो पे हार क्यों? कौन जिंदा है? ये कांस्टेबल चीता। आप कहाँ हवा में इशारा कर रहे हैं? कोई नहीं है यहाँ, चीता तो गुजर गया। अरे कैसी बात कर रही है मैडम आप, ये खड़े तो हैं कांस्टेबल चीता। कौन खड़ा है यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि आपको भ्रम हो गया है। भ्रम जी? नहीं मैडम, ये सच में यहाँ खड़े हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। अब यहाँ आप चेकअप करवाइए, आप जाइए, आप प्लीज बैठिए, 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 मतलब पहले पेट में दर्द, फिर उल्टी, फिर डिसेंट्री, फिर किडनी फेल। ओ माय गॉड, अरे पानी पानी, क्या यहाँ पानी की सिचुएशन है, इमरजेंसी, मुंह खोलो। हाँ बंद करो, दवाई खिला दी, खिला दी। चीता, हमारा चीता ऐसे कैसे हमें छोड़ के चला गया? मिस्टर अमित, अब तो आपको चीता दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है? नहीं नहीं, ग्रेट, फिर तो दवाई का असर हो गया है। तो जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक आपको कोई भ्रम नहीं होगा, लेकिन अफसोस दवाई का असर खत्म हो जाने के बाद क्या? और अफसोस आपके भाई अमित को तो दवाई दी भी नहीं है, उनका तो। मैडम, अमित के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और अब तो मुझे भी भ्रम होने लगा है। वो, आप प्लीज हमारी जान बचाइए। आपने वो लिस्ट बनाई थी ना हमारे एरिया की वैक्सीन देने के लिए? हाँ, लिस्ट है, बहुत लंबा और बड़ा लिस्ट है, और आपका नाम आखिरी में, आप अगले हफ्ते आइएगा। अरे ऐसे कैसे अगले हफ्ते, यहाँ हमारी जान पे बनाई है, आप पहले हमारी जान बचाइए। जितना कीमती आपका जान है ना, उतना ही कीमती उन लोगों का जान भी है, इसलिए पहले उनका जान बचाएंगे फिर आपका बचाएंगे। अरे मैडम, सरकार की जिम्मेदारी है, हम उनका फर्ज है हमारी जान बचाना, हमें क्यों नहीं मिलेगी वैक्सीन पहले? अच्छा, सारी जिम्मेदारी, सारा फर्ज सिर्फ सरकार का है, आपका कुछ नहीं? अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आप भूल गए और सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। एक बात बताइए हमको, आपने क्या कहा था? पहले उन लोगों को रोकिए जो कचरा फेंकते हैं, फिर हमें रोकिए। तो अब हम वैसे ही करेंगे, पहले उन लोगों को बचाएंगे, फिर आपका नंबर आएगा। आप लोग अपना घर तो साफ रखते हैं, लेकिन बाहर जाते ही गंदगी फैलाते हैं, क्यों? ये शहर आपका नहीं है, यहाँ के लोग आपके नहीं है, आपके वजह से उन मासूम बच्चों की जान खतरे में, उनके बीमारी के दोषी आप नहीं हो। सही कहा मैडम जी, ये सारा गलती हमारा ही है। भैया आप यहाँ क्यों आए? अभी थोड़ा सा सही है, और उन बच्चों का और आप लोगों का दोषी हम ही हैं। मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब आज हम कसम खाते हैं कि आज के बाद उस प्लॉट में तो क्या कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, पहले खुद सही रास्ते पर चलेंगे, उसके बाद किसी से एक्सपेक्ट करेंगे। और करिश्मा जी को 75,000 रुपये भी दे देंगे जो उन्होंने हमारे द्वारा फैला गए कचरे को साफ करने के लिए खर्च किए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे लिए ना सही पर हमारे परिवार के लिए तो कम से कम वो वैक्सीन दे दीजिए। पुष्पा जी। यस मैडम सर। पुष्पा जी। यस मैडम सर। चीते वापस आ जा। मैडम जी, आपको कोई भ्रम नहीं हुआ है, चीता चतुर्वेदी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की तरह। आप लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई है, आपने कोई बैक्टीरिया वाला पानी नहीं पिया है। थैंक गॉड, हम बच गए भाई। हमने ये बस एक छोटा सा नाटक किया था आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने के लिए। मिस्टर अमित और मिस्टर सुमित, इस देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर के साथ साथ पूरे शहर को, पूरे देश को साफ रखने में मदद करें।
सिर्फ अपने घर को ही नहीं, अपने शहर को, अपने पूरे देश को अपना घर समझे। देश के विकास हेतु हम सब स्वच्छता अभियान में अपना योगदान पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देंगे। हम सब एक साथ आज ये प्रण लेते हैं। हम भी। थैंक यू मैडम सर।